देशभर तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर गोहाना के गांव छिछराना से आ रही है। बता दें कि गांव छिछराना में सरपंच पद के उम्मीदवार की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें जो है 5 आरोपियों को पहले जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें एक मुख्य आरोपी को जो है फरार बताया गया था। अब जो है गोहाना CIA पुलिस को मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी करने में एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। जो मुख्य आरोपी है सागर उर्फ भोलू है, जो कि गांव छिछराना का ही रहने वाला है, जिसे गांव से ही गिरफ्तार किया गया है। और बता दें इससे पहले जो है सरकार के द्वारा पुलिस सोनीपत पुलिस के द्वारा दलबीर फौजी की हत्या के मामले में जो है सागर को 25,000 रुपये का इनामी बदमाश भी घोषित किया गया था, जिसमें अब गोहाना CIA पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जिसमें अब जो CIA के इंचार्ज हैं उनके द्वारा जानकारी दी गई है कि अब जो है छिछराना गांव के पूर्व जो सरपंच पद के उम्मीदवार थे दलबीर फौजी, उसके हत्या के मामले में जो मुख्य आरोपी था उसको भी अब गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि लगातार जो है इस तरह की जो गिरफ्तारियां जो है हो रही थी, अब जो है मुख्य जो आरोपी है उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि दलबीर फौजी की सरपंची चुनाव से 2 दिन पहले जो है गोलियां मारकर जो है उसकी हत्या कर दी गई थी, जिसमें उसका लड़का भी राहुल जो है उसमें घायल हुआ था, लेकिन दलबीर फौजी की जो है मौत हो गई थी और राहुल को जो है काफ़ी दिन जो है उपचार करवाया गया, उसके बाद जो है वह डिस्चार्ज हुआ। अब जो है मुख्य आरोपी को जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है और अब जो है 5 दिन का जो है पुलिस रिमांड भी अब लिया गया है। इसमें अन्य कुछ आरोपी हैं उनको भी गिरफ्तार करने की बात जो है CIA के द्वारा की गई है कि जल्द ही वह भी सलाखों के पीछे होंगे। और इस तरह की वीडियो के लिए जो है आप देश अब तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्रत्याशी की हत्या की थी, इसमें मुख्य आरोपी गिरफ्तार किया है, कितना इनाम था, क्या मामला था सर? इलेक्शन से 2 दिन पहले छिछराना गांव में एक सरपंच कैंडिडेट की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसका मेन एक्यूज सागर उर्फ भोलू, उसी दिन से वो फरार चल रहा था। उस पर गवर्नमेंट की तरफ से 25,000 रुपये का इनाम भी डिक्लेयर किया गया था। कल उसको रात को 9:30 बजे उसके गिरफ्तार किया गया। सर कहाँ से गिरफ्तार हुआ है? उसको छिछराना गांव अपने खुद के गाँव में वो घुसने की कोशिश कर रहा था, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन मिल गई थी तो उसको गाँव के बाहर से ही अरेस्ट किया। सर कितने लोगों ने इस हत्या को अंजाम दिया था, क्या मामला था थोड़ा सा? ये अपनी इसकी कोई पुरानी उनसे रिवेंज था, उसकी एनिमिटी चल रही थी, उसके बदला लेने के लिए इसने अपने साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। तो इसको अदालत में पेश किया? आज इसको अदालत में पेश करके और अधिक रिकवरी के लिए और गहनता से पूछताछ के लिए 5 दिन का रिमांड मिली। तो इसके साथी वगैरह कोई? इसके साथी ऑलरेडी 5 पहले गिरफ्तार हो चुके हैं, बाकी जो रह रहे हैं उनको भी पकड़ने की कोशिश की जाएगी। तो कोई वेपन वगैरह मिला? हाँ, वेपन की रिकवरी इसने बताई है और उस रिकवरी के लिए रिमांड लिया है, वो अभी तक रिकवर नहीं। सर ये कहाँ का रहने वाला है? ये छिछराना का ही रहने वाला है। छिछराना का ही है। सर आज 26 जनवरी को लेकर एक मीटिंग करी है अधिकारियों के साथ, क्या क्या निर्देश दिए क्या? हाँ जी, अभी हमने गणतंत्र दिवस को लेकर के अभी SDM साहब की अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी, सभी कंसर्न अधिकारियों को बुलाया गया था इसमें, और इनको गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर के सारी जो हमारा एजेंडा है जो हमेशा होता आया है उसको लेकर डिस्कस किया गया और जिसकी जो जिम्मेवारियाँ हैं ड्यूटीज़ हैं वो सारी असाइन करके बता दिया गया है। आशा करते हैं अच्छी तरह हमेशा की तरह जैसे हम अपना गणतंत्र दिवस मनाते आए हैं उसे भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे। सर कितने स्कूल अब की बार पार्टिसिपेट करेंगे? अभी बार देखिए कोशिश ये है, जैसे कोविड की वजह से पीछे से झांकियाँ नहीं निकाली गई थी, हम कोशिश कर रहे हैं कि इस बार वो झांकियाँ भी निकाली जाएँ और कल्चरल प्रोग्राम भी किए जाएंगे और जो निरंतर हमें होते आ रहे हैं प्रोग्राम वो सारे होंगे होंगे। इसी बारे अभी कोई डायरेक्शन सरकार की तरफ से नहीं आई है कि जैसे पिछली बार हमारा यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल की तरह ही अपने स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब आए थे, अभी तक इस तरह की सरकार की कोई डायरेक्शन नहीं आई कि कौन आएंगे, अगर कोई भी हमारे अतिथि आते हैं तो उस हिसाब से प्रोग्राम को किया जाएगा।